दूसरी जगह बरबर गई बरबर बरबर लोग ले ले नहीं मैं बता दूं आदित्य को मैं आदित्य को बताऊं ऐसे इसको काट तूने हंस दिया मैं तो हमारे लिए तो नया है ना तो अच्छा कंटेंट आने वाला है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग और आज क्या होने वाला है वो हमें भी नहीं पता लेकिन कुछ तो अच्छा ही होगा। फिलहाल तो मैं अपने घर से निकल चुका हूँ अब वेट कर रहा हूँ अभिनंदन भाई का कि वो मुझे लेने आए और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं फिर हम क्या करेंगे। अभी तो कोई प्लान नहीं है बस ये है कि घर से निकलते हैं और ऑन द स्पॉट बनाते हैं कि करना क्या है। और ये अभिनंदन भाई आ चुके हैं मुझे 15-20 मिनट वेट कराने के बाद आए हैं ये। अरे गाड़ी नहीं खोल रही अरे ये मुझे अंदर नहीं जाना चाहते देखना चाहते गाइस पंबल मार दिया मैंने स्टड बॉय यार मैं लेट हो गया रेड लाइट में लग रहा था फिर मुझे तो पहले ऑफिस जाना था लेकिन अब ऑफिस इसके बाद जाऊंगा मूवी है। तो गाइस हमने प्लान कर लिया है हम क्या करेंगे। 11:30 की मूवी है और अभी 11:25 हो रहे हैं तो हम सीधा वहीं जाएंगे लेट हो चुके हैं बाकी देखते हैं अब। इंटरवल हो चुका है कैसी लग रही है आपको मूवी? बहुत बढ़िया। अभिनंदन चौधरी बताएं रिव्यू दें अभी तक का। भाई मत देखना ना रोमांस हॉरर सब एक जगह हो रखा है ना कुछ फायदा नहीं मूवी देखने का बहुत बेकार है। सुन लिया ना गाइस मूवी देख के बाहर आ चुके हैं और बहुत ही गंदी मूवी है। मतलब एक ये होता है ना कि अगर तुम्हें हॉरर मूवी में डर नहीं लग रहा तो कम से कम हंसी आएगी कि भाई ये क्या चल रहा है। ना इस मूवी में डर लगा ना इसमें हंसी आई बस ये था कि भाई क्या चल रहा है क्यों चल रहा है इसे बंद करो। आधी मूवी छोड़ने का मन कर रहा था पर फिर सोचा पूरी देख लें ताकि आपको रिव्यू दे पाएँ। मैं इस मूवी को 2 स्टार भी नहीं दूंगा बहुत गंदी है और बस खींचा है कि कुछ भी कुछ समझ ही नहीं आया। मैं बता भी नहीं पा रहा कि इस मूवी में है क्या क्योंकि इसमें कुछ बताने लायक भी नहीं है। और अब बस नमन आएगा अभिनंदन भाई वापस जा रहे हैं अपने घर और फिर नमन के साथ मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूंगा। अभी पता नहीं है कहाँ जाएंगे पर हम कुछ सोच लेंगे हमने 2-3 चीज़ें सोची हुई हैं उसमें से कुछ चेक कर लेंगे तो अब आपको आगे मिलते हैं। गाड़ी में तेल नहीं है पर गाड़ी लेके निकल चुके हैं और अब कहाँ बंद हो जाए पता नहीं तो अच्छा कंटेंट आने वाला है। कुछ नहीं पता भी कहाँ बंद हो जाएगा गाड़ी इसलिए ऐसी बंद कर दिया हम लोगों ने अब गाड़ी का। मैं तो धक्का लगाऊंगा नहीं नमन लगाएगा। हम आ गए थे दिल्ली और अब हमारा कंटेंट हमने सोचा है कि हम ट्राई करेंगे डिफरेंट बर्गर्स। पहला हमारा जो स्टेशन बोलूँगा पहला स्टेशन जो है हमारा हुआ है चिलीज़। ये रहा चिली का लोगो चिलीज़ आए हैं अब आपको बताते हैं चिली का बर्गर कैसा है। उसके बाद डिफरेंट बर्गर्स ट्राई करेंगे मैकडी और बर्गर किंग वगैरह फिर जहाँ का ज़्यादा बेस्ट होगा वो एंड में बताते हैं। हमारा बर्गर आ गया था यहाँ पे और बर्गर के साथ इन्होंने प्राइस भी दिए हैं। प्रेजेंटेशन तो बहुत गजब है बाकी अब देखते हैं टेस्ट में कैसा होगा आपको बताऊंगा। इसने तो खाना भी शुरू कर दिया चलो अब देखते हैं बर्गर कैसा होगा। प्रेजेंटेशन तो लाजवाब है मज़ा आ गया देखो गजब। तो गाइस ये बर्गर के अंदर की फीलिंग है बर्गर हफ क्या है ताकि आपको फीलिंग अच्छे से दिखा पाए और अभी टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। नमन तो कह रहा है अच्छा है नमन ने टेस्ट कर लिया बर्गर कैसा है नमन सही सही है नमन ने रिव्यू अच्छा दिया बाकी मैं बताऊंगा। और हमने जो ऑर्डर किया है वो ये आप इसकी प्राइसिंग देख लो वेज पैटी ऑर्डर किया है हमने साधन स्मोक हाउस बर्गर में से तो 475 का है। अब देखते हैं कि 475 लायक है या नहीं। इसके साथ ये चटनी आई है और प्राइस आया है अब सब कुछ टेस्ट करके आपको रिव्यू देता हूँ। अब ज़रा टेस्ट करके बताते हैं कि ये वर्थ इट है या नहीं। अच्छा है इसके एक बड़ी वाली ये ट्राई कर फ्रेंच फ्राइज के साथ करके देखे और इसका रिव्यू बता। लेकिन 500 रुपए लायक नहीं है नहीं है ना 500 हाँ हाय हाय
जला जला सा स्वाद है, बहुत गंदी है, बहुत गंदी। ये अच्छा है, प्राइस अच्छा है। हम लोग ने खा लिया था चिली से बर्गर, अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी जगह। अब देखते हैं दूसरा स्टेशन क्या होगा हमारा, और सोच रहे हैं मैकडी जाते हैं, मैकडी के बाद जाएंगे बर्गर किंग और फिर स्ट्रीट बर्गर भी ट्राई करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं मैकडी, उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ का बर्गर तो इतना हमें पसंद नहीं आया, कुछ नॉर्मल था नॉर्मल, और पैसे 500 रुपये एक नॉर्मल बर्गर के, ज़्यादा से ज़्यादा 50 भी होते ना वो भी बहुत होते इसके लिए। देखते हैं बाकी कैसे होंगे। हम मैकडी आ गए हैं और यहाँ का आउटलेट तो बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, मतलब सुंदर है, बात क्राउड भी अच्छा है यहाँ का, ऐसा नहीं है कि क्राउड बेकार है, मज़ा आ रहा है। अब अंदर जाके देखते हैं यहाँ का सबसे अच्छा और महंगा ही बर्गर ट्राई करेंगे कि लायक है या नहीं, बाकी अब देखते हैं। बताऊँ? हाँ बता। अरे एक के साथ एक चीज फ्री लेंगे, देख आ जा। ठीक है गाइस, वो कूपन वाला सिस्टम आता है तुमको? ए ये तो पुराना ला रहा है। हाँ पहले हमारे लिए तो नया है ना, मैंने किया था 300 रुपए बचे थे मेरे। ये जो हैक की बात कर रहे हैं, मैकडी का ऐप ओपन करें अपने फोन में, वहाँ पे कूपन आते हैं, वो अप्लाई करोगे तो आपको। अदिति की एक चीज दिखाऊं तेरे को? यस ब्लॉग में ले ले। नहीं ब्लॉग में देख, अपनी चेन रखी रखी थी इसके अंदर और अभी ये गिरी जाती, तो अभी आग चली गई बस इस पे। अभी ये गोल्ड चेन गिरा देते, अभी 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 वाली बात है, मैकडी निकल जाता, पूरे मैकडी को सर उठा देते, हमें अच्छा कंटेंट मिलता। हुआ 1.5 लाख का नुकसान, 1.5 लाख का नहीं है, 1.5 लाख का पड़ा एक बर्गर फ्रॉम 150 टू 1,50,000 भाई हो रहा है डाउनलोड। तो गाइस हमारा मैकडी का बर्गर आ गया है, अब हम इसको ट्राई करेंगे। अच्छी है तो थोड़ी सी आइस ज्यादा वाली अच्छी है। देखा मैंने इसको बोला था, सजेस्ट करी थी कि ये पी, और अब इसको अच्छी लग रही है, जलजीरा का भी टेस्ट आ रहा है, मस्त पूरा रिव्यू दे रहा है। अब हम बर्गर टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम इसकी। सर भी रख ले, इसका क्राउन है, वो भाई साहब बहुत बड़ा है, वो भाई साहब। ये इसकी फीलिंग है, मुंह में ही नहीं आएगा इतना बड़ा था ये। यार प्रांजल यार वैसे तो ले लेता है तू यार आराम से, ये ऐसा लग रहा है कि दो बर्गर एक मिला दिया हूँ। नहीं है मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मेरे टाइप का नहीं है। नॉट माई टाइप, व्हाट्स योर टाइप? मैकडी आलू टिक्की। मैंने मैकडी का बर्गर खा लिया है और मुझे तो अच्छा नहीं लगा, नमन को भी इतना अच्छा नहीं लगा, बाकी अभी मैं गिर जाता हाँ। तो बाकी अब हम कहीं और जाके देखते हैं, किसी और जगह का बर्गर ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं वो कैसा है। यहाँ से अदिति जा रही है अपने काम के लिए, आगे के ब्लॉग में आपको अदिति नहीं दिखेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा ब्लॉग ना देखें। तो हमारा ब्लॉग पूरा देखिएगा, अदिति बाकी वीडियोस में भी आती रहेगी। ये अदिति को सी ऑफ कर रहा है पर बात ज़्यादा ड्राइवर से। आएगी अभी तो अदिति बोल के गई है कि वो वापिस आएगी, तो आप हमारा वीडियो पूरी देखिएगा, आप हमारी वीडियो में आके अदिति दिखेगी। जाने दो। ओ बेचे देख क्या एग्जिट ली है। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा शॉपिंग कर लें ताकि थोड़ी पेट में जगह हो, हम थके भूख लगे, फिर हम बाकी के बर्गर ट्राई करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने, हम जा रहे हैं ज़ारा में। सुनने में आया है कि अभी सेल चल रही है, 50-60% चल रही है, तो ज़रा देख के आते हैं कलेक्शन कैसा है और सही में इतनी सेल है या फिर बस सुनने में ही आया है। यहाँ का कलेक्शन तो बहुत अच्छा है, बाकी अब देखते हैं मुझे कुछ पसंद आता है या नहीं, क्योंकि मुझे इतनी आसानी से पसंद नहीं आता कुछ। ये शूज़ नमन को पसंद आया है, बहुत सारे ट्राई करने के बाद इसको इसका साइज़ मिला है। नमन कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं यार, मेरे को तो ले लूँ। ले ले। शुड आई बाय दीज? या चलो, एक आइटम तो हमारा डिसाइड हो गया है, अब बाकी देखते हैं। हमने शॉपिंग
कोई बैग लिए क्योंकि हमें और कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। एक बैग मेरा है, एक नमन का है, सच बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा। और अब हम जा रहे हैं अपना ब्लॉग आगे कंटिन्यू करने, अब बर्गर आगे ट्राई करेंगे। अब जा रहे हैं अदिति के पास, तो ब्लॉग में बने रहें। यार हमने ना बहुत ढूंढा कि हमें बर्गर किंग का आउटलेट मिले, सीपी से नोएडा आगे कहीं नहीं मिला। या तुम्हारी किस्मत खराब थी या हम गलत जगह घूम रहे, तो अब हम आए KFC। ये ट्यूटोरियल बताएगा आपको कैसे करते हैं ऑर्डर। तो देखिए गाइस, वैसे दिस इज आवर डिजिटल स्क्रीन, इस पे हमें क्या चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सेलेक्ट करो। जैसे हमें बर्गर चाहिए, हम बर्गर पे गए। हमें वेज चाहिए ब्रो, ये रहा वेज। नहीं वेज तो ये रहा, वो तो वैसा बच गया, लेकिन हमें चाहिए कौन सा ये बता। गाइस हम डिसाइड करके बताते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब। तो हमने सोचा है कि हम खाएंगे लॉन्गर वेज बर्गर, क्योंकि हमें और कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो अब हम करेंगे इसको एड टू ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर। हाँ और कुछ नहीं लेना, क्योंकि हमें अगर आपको लेना हो तो आप ऐड कर सकते हो। ये हमारा हो गया, अब हम इसको करेंगे कंफर्म। और ठीक है जी, अब हम अपना करने जा रहे हैं थर्ड बर्गर टेस्ट, और वो है KFC का। बर्गर किंग बता दिया है हम नहीं गए, और अब इसको देखते हैं। ये है लॉन्ग वेज बर्गर, टेस्ट करो। ये भी अच्छा नहीं है। चल अच्छा है, मतलब 100 का तो वर्थ है। बाकी दोनों से तो बहुत अच्छा है। स्पाइसी है। इसके अंदर की फीलिंग है, ये इसके अंदर की फीलिंग है। हाँ ये तो टिक्की और वही है, गम। सही है, स्पाइसी है मेरे बच्चे में। अदिति आ चुकी है गाइस, अदिति वेलकम बैक। और अब हम खाएंगे स्ट्रीट बर्गर, क्योंकि सारे ब्रांड्स के बाद अब देखते हैं हमारा लोकल क्या कमाल दिखा। ये हमारे छोटू नवाब, कहीं गोलगप्पे भी खा मेरे साथ। ये देखो एक बर्गर बना दो भैया, बढ़िया था। YouTube पे जाओगे आप, अच्छा बना दो। बस हर जगह चढ़ाता रहता है सबको। क्वालिटी कंटेंट के लिए करना पड़ता है भाई। इतने हमारा बर्गर बन रहा है, थोड़े गोलगप्पे खा ले। इस इंसान में जान नहीं है खाने की, फिर भी खाया जा रहा है। तबीयत खराब हो जाए तेरी। गोलगप्पा कैसा है सर? नम तेरे मतलब का तीखा। ठीक है अभी ट्राई करता हूँ। जो मजा यहाँ है वो कहीं नहीं है। 500 का बर्गर खाया, 250 का खाया, 100 का खाया। जो यहाँ खाएंगे ना वो बेस्ट होने वाला है, मैं बिना खाए कह सकता हूँ इस बात को। देसी स्वाद है ना इसमें। देसी स्वाद ना, एक ना जो क्या बताऊं मैं, बस मेरे को मेरी आवाज से सुन सकते हो कि कितना स्वाद आ रहा है मेरे को। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लास्ट और फोर्थ बर्गर। ये है शेफ चाट भंडार फ्रॉम स्पेशल सेक्टर 18। हाय 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 हाय। कसम से आ गया स्वाद। अच्छा रियलिटी में था वो स्वाद 550 वाला। अच्छा ये है क्या, मजा तो इसमें आया है भाई साहब। जो स्वाद इसमें है ना, सुबह से हमने कितने बर्गर ट्राई कर लिए, हमें नहीं आया स्वाद। नहीं प्रांजल मैं वो खाए जा रहा हूँ भाई साहब। जो इसकी चटनी, जो इसकी हरी और लाल चटनी, ओ हो यार इसमें है। पता है चाहे कुछ भी लगा लो भाई, चाहे शहर में रहते हो, चाहे कुछ भी है, कुछ भी जो स्वाद इसका रहेगा ना फेस पे, जो अंदर इसकी तसल्ली ये देगा भाई, ना टॉसिन देने वाला, ना चिलीज, ना नैंडोज, कुछ नहीं देने वाला स्वाद। और सबसे ज़्यादा मज़ा चारों बर्गर खा के गाइस, अब मैं अपने घर आ चुका हूँ। और हमने 500 रुपये वाला बर्गर खाया, 200 वाला खाया, 100 वाला खाया और 20 रुपये वाला खाया। एंड ट्रस्ट में सबसे अच्छा 20 रुपये वाला था, जो हमारा स्ट्रीट बर्गर था। और सबसे बेकार था
₹500 वाला जो कि चिलीज का था, उसमें इतना मज़ा नहीं आया, मतलब कुछ भी टेस्ट नहीं था और वर्थ इट नहीं था 500 के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। और अगर कुछ नया कंटेंट देखना चाहते हैं, अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट में दे दें या फिर मुझे DM कर सकते हैं।